हाय जब देखा है कंस की मारने के लिए दौड़ता आ रहा, एकदम से पकड़ लिया है बात, मेरी बात मानो, एक बात कंस कहने लगा, तुम कौन हो, तुम कौन हो? वासुदेव कहने लगे, अरे कंस क्षमा करो, क्षमा करो, बात बताओ किस लिए इसको मारे, बात बताओ मुझे, अगर कोई बात है तो उस बात का हम जरूर कोई उत्तर ढूंढेंगे। कंस कहने लगा, उत्तर हमें लग रहा है तुम्हारा भी काल आ चुका है ना, तभी तुम बीच में आए, एक तलवार से भी दोनों का कत्ल कर दूंगा, मेरी रास्ता का छोड़ दो। दोनों हाथ जोड़ कर वासुदेव ने कहा, महाराज तुम एक राजा हो, अरे हम ये नहीं कहते मैं इनको ना मारू, मगर एक बात को बता दू, अगर कोई अपराधी होता है ना तो उसका पहले सर्वे होता है, इसने कौन सा अपराध किया है, तभी तो धारा लगती है महाराज, इसीलिए हमें बता दो कि तुम्हारी बहन हमारी पत्नी ने कैसा अपराध किया है। कंस कहने लगा, अपराध फिर तूने का अपराध, अभी आकाशवाणी हुई कि सुनाई नहीं दिया, उसने कहा कि जिस बहन को तू पटवारा इसका आठवां काल तेरा काल है, इसके कर्म से जो पुत्र होगा ना आठवां पुत्र तेरा काल है, इसीलिए अपनी बहन को ही मार डालो, रहेगा पास में बजेगी बाँस में और आप तो मेरी रास्ता से हट जाओ, हट जाओ। वासुदेव ने कहा कि अब तो भगवान बने हुए, क्यों जो कोई मार जा, सोचने लगे कि आधे बरात महाराज, आधे बरात भाई लड़कों नहीं पहुंच पाए, अब कटर रास्ते में लग दो है, कड़े की रास्ते में लग गए, घर का नहीं पहुंचे और पैसे कुंजी नहीं पाए, कुंजी ऊपर कल हो गई है, सब है सब करवाए, सब करवाए तो, और हमारे कपिल देव रैदास विश्वनाथ है इसी गांव से, कालू रैदास विश्वनाथ का दान दिया है भगवान के चरणों में, भगवान सोचे पुत्र के जीवन मंगल में हो, एकदम से जवाब दिया बात करने कि महाराज एक बात मानो तो हम बोले, और क्या बोले, तुम कहे न मानो